हेलो ऑल एंड वेलकम टू एक्सेल हिंदी। सो इस वीडियो में हम लोग व्हाट इफ एनालिसिस का थर्ड एंड फाइनल पार्ट देखेंगे, विच इज कॉल्ड अ डेटा टेबल। सो लास्ट दो वीडियो में हमने देखा था सिनेरियो मैनेजर और गोल सीक के बारे में, और हमने समझा था कि कब हम सिनेरियो मैनेजर यूज करेंगे, कब गोल सीक को यूज करेंगे। गोल सीक और सिनेरियो मैनेजर हमने देख लिया था, और ये हमने डेटा सेट यूज किया था इसमें गोल सीक में, हमने कैसे एक एक वेरिएबल एक एक सेल्स को चेंज करके आंसर्स मतलब निकाले थे। अब डेटा टेबल क्या करता है? डेटा टेबल आपको एक लिस्ट ऑफ सिनारियोज देता है। डेटा टेबल एंड सिनारियो मैनेजर आर वेरी मच कोरिलेटेड। डिफरेंस बस इतना है कि सिनेरियो मैनेजर में आप चीजें मैनुअली करते हो, मैनुअली आप सिनेरियो बनाते हो, मैनुअली आप उसको रन करते हो और उसका इफेक्ट आप हर जगह देखते हो। यहाँ पे आपको उतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, एक एक सिनेरियो बनाना है, एक एक ऐड करना है, एक एक उसको शो करना है, उसका समरी देखना है, वो करने की जरूरत नहीं। आप यहाँ पे एक बेसिक चीज आप मतलब एक टेबल बना के यूज कर सकते हो। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे मैं कैसे यूज करता हूँ। अभी हमने सिनेरियो में क्या देखा था, 100 को 200 किया, फिर उसको 300 किया, ऐसे हमने कर दिया, ठीक है। और फिर हमने देखा कि प्रॉफिट्स कैसे चेंज होते हैं। तो इस केस में हम क्या करेंगे, लेट से अब मुझे चेक करना है कि अगर मैं क्वांटिटी बहुत सारे क्वांटिटी वेरी करूँ प्रोडक्ट ए के, तो हमारा प्रॉफिट कितना चेंज हो जाएगा। जो ये ए का इंडिविजुअल प्रॉफिट है, नॉट टोटल प्रॉफिट, क्योंकि टोटल प्रॉफिट क्या है, मतलब एक प्रॉफिट चेंज होगा तो बाकी टोटल तो यूज चेंज होगा ही, बट द चेंजिंग पार्ट इज प्रोडक्ट ए, नॉट 7500, बिकॉज इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री प्रोडक्ट्स, प्रॉफिट्स ऑफ थ्री प्रोडक्ट्स। तो ये इसको यूज नहीं करेंगे इसमें इसको यूज करेंगे जिसका इंडिविजुअल एट्रीब्यूट का चेंज मुझे देखना है। ये मैंने देख लिया 1000। अब यहां पे मैं लिखता हूं क्वांटिटी, लेट से मैंने लिखा क्वांटिटी 50 अगर मैं बेचूंगा तो मेरा प्रॉफिट कितना होगा। मैंने बेचा 200 बेचूंगा कितना होगा, 300 बेचूंगा कितना होगा, 400 बेचूंगा कितना होगा, 500 बेचूंगा कितना होगा। ये सारे प्रोडक्ट ए है। हमेशा याद रखना, जो भी आपको सिनारियोज देखना है तो ये सिनारियोज है प्रोडक्ट ए का सिनारियो, ए प्रोडक्ट का सिनारियोज है, और ए प्रोडक्ट के क्वांटिटी का सिनारियो। यहां पे मैं लिख देता हूं क्वांटिटी प्रोडक्ट ए, मतलब ए के प्रोडक्ट का क्वांटिटी में चेंज करूंगा तो मुझे कितना असर होगा प्रॉफिट पे इंडिविजुअल ए। तो उसमें क्या करेंगे, हमने यहाँ पे लिख दिया सारे कंडीशन, सारे सिनारियोस, और यहाँ पे हमने ये लगा के रख दिया 1000। अब मैं क्या करूंगा, ये वाला कॉलम हमेशा, ये वाला सेल हमेशा ब्लैंक रहेगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने ऐसा इसको हाईलाइट कर लिया, और हाईलाइट करने के बाद हम व्हाट इफ एनालिसिस में गए और जाके हमने डेटा टेबल पे सिलेक्ट किया। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन स्टार्ट होता है कि रो इनपुट सेल और कॉलम इनपुट सेल क्या है। तो भाई ये रो इनपुट और कॉलम इनपुट्स, ये हमारे जो हाईलाइटेड डेटा टेबल है, ये जो टेबल मैंने हाईलाइट किया है, इसके रेफरेंस में पूछा जाता है। तो इसके रेफरेंस में पूछा जाता है मतलब, तो भाई सिनारियोज यहाँ पे लिस्टेड है, ये डेटा टेबल के रेफरेंस में पूछा जाता है, और स्पेशली उस जो वहां के लिए पूछा जाता है जहां पे सिनारियोज लिस्टेड है। तो यहाँ पे मेरा सिनारियोज लिस्टेड, और ये सिनारियोज कॉलम्स, एक जी कॉलम्स के अंदर है। आप बोल सकते हो मल्टीपल रोज हैं इसमें इन्वॉल्व, बट ये कॉलम वाइज लिस्टेड है, इट्स लिस्टेड इन अ सिंगल कॉलम, सो इसीलिए हम यहाँ पे कॉलम लेंगे। और कॉलम लेने के बाद हम इसमें इनपुट क्या करेंगे, ये क्वांटिटी करेंगे, क्योंकि हमने जो 1000 डाला है, ये 1000 का क्वांटिटी, 1000 रुपीज प्रॉफिट
आ रहा है आपके 100 क्वांटिटी से, इसीलिए हम यहाँ पे D2 लिखेंगे। और हम ये बताएंगे कि जब हम ये D2 को या क्वांटिटी को 100 से 50 या 200 या 300 या 400 या 500 करेंगे तो A की प्रॉफिट कितनी होगी। और इसीलिए हम एक सेल यहाँ ऊपर खाली छोड़ते हैं ये बताने के लिए कि ये जो 1000 है प्रॉफिट, ये D2 से आ रहा है। यहाँ पे एक्चुअली ये D2 है बट हिडन रहता है, हम नहीं दिखा रहे हैं, हमने डायरेक्ट इस पॉपअप विंडो के अंदर ये एंटर कर दिया। जैसे मैं एंटर करूंगा ये आपको यहाँ पे दिख जाए, 50 किया तो 500, 200 तो 2000, 300 तो 3000, ये प्रोडक्ट ए का सीन, ठीक है। अब ये तो एक नॉर्मल सिनेरियो हो गया जो हम सिनेरियो मैनेजर में हम देखते हैं। इसका एक अच्छा एग्जांपल यहाँ पे अब मैं दिखा रहा हूँ कि लेट से आपने मंथली SIP किया 1000 रुपए की, माइनस 1000 इसलिए लिखा है क्योंकि जो हमारा फंक्शन है बाई डिफॉल्ट नेगेटिव लेता है बट हमको ये पॉजिटिव देखना रहता है। जैसे हमने PMT फंक्शन में देखा है आपको मंथली EMI माइनस में आता है फिर आप उसको इंटू करते हो माइनस से, तो इसीलिए मंथली SIP नेगेटिव लिया हुआ। 25 साल के लिए मैंने हर महीने 1000 रुपए डाले और मुझे रिटर्न आ रहा है 8% पर एनम, ये रिटर्न पर एनम के हिसाब से। तो आपको बताना है फाइनल अमाउंट क्या होगा, तो उसके लिए एक फंक्शन आता है फ्यूचर वैल्यू करके, इसको बोलते हैं FV, और उसमें रेट लिखते हैं, रेट है 8%। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 8 को सिलेक्ट किया, डिवाइड किया, 12 कर दिया क्योंकि ये एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो उसको मंथली रेट पे कन्वर्ट करना है। उसके बाद NPR किया, NPR किया मतलब ये हमने अमाउंट लिख दिया यहाँ, और कितने दिन के लिए लिया, 25 साल के लिए लिया, लेकिन 25 को 12 से मल्टीप्लाई करना जरूरी है, ये 44,000। इसका आप आर्गुमेंट विंडो भी ओपन करके देख सकते हो उसमें क्या है, रेट NPR, अब NPR क्या है या रेट क्या, इज द टोटल नंबर ऑफ पेमेंट पीरियड, सॉरी इज द टोटल नंबर ऑफ पेमेंट पीरियड्स इन इन्वेस्टमेंट, तो ये गलत हो गया हमारा, B3 into 12, एंड वॉट इज PMT, इज पेमेंट मेड ईच पीरियड, तो ये पेमेंट मेड ईच पीरियड हो गया, तो ये हो गया, ये मैंने गलत कर दिया था, ये आपको ध्यान रखना। तो ये हमारे पास आ गया 9,51,000 रुपीज हमको फाइनल मिले। अब मैं क्या करता हूं, अब मैं यहां पे ये देखता हूं कि अगर मैंने ये रेट को 4% था, फिर मैंने 5% किया, फिर मैंने लेट से 7% किया, 8% किया और 10% किया, ये मैंने 5 सिनारियोज बना लिए। मैंने बोला ये अगर मैंने चेंज किया तो मेरा फाइनल अमाउंट कितना चेंज होगा, अगर मैं मेरा ये रहेगा सिचुएशन, और मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, ये लिख दिया मैंने फाइनल अमाउंट। अब सिंपल अगेन वही करूँगा, इसको यूज किया, व्हाट इफ एनालिसिस में गए, डेटा टेबल सिलेक्ट किया, कॉलम इनपुट किया, और कॉलम इनपुट में हमने क्या सिलेक्ट किया, 8%, ये देखो आ गया, 4% रखेंगे तो इतना आएगा, 5% इतना, 6% इतना, तो ऐसे करके हमने हर एक रिटर्न्स के लिए एक अपना अमाउंट लगा लिया कि अगर लेट से मुझे 8% मिलता है तो इतना मिलता है, बट अगर मैंने 10% वाले में लगाया तो क्या होगा, 7% में लगाया तो क्या होगा। एग्जाम्पल अब इसको मैं डिलीट करता हूँ, वापस से यहाँ पे मैं यूज करता हूँ ये फाइनल अमाउंट, और फिर अगेन यहाँ पे एक सिचुएशन बनाता हूँ, 5%, 6%, 9%, 10%, लेट्स से 11%, ये 5% मैंने बना दिए, ठीक है, ये 5 सिचुएशन। अब मुझे इसके साथ ये भी देखना है कि मेरे इयर्स में कितना फर्क पड़ रहा है। मैंने अगर 5 साल के लिए डाला, ठीक है,
सॉरी। मैंने 5 साल के लिए डाला और इसको हम क्या करते हैं, 5 साल के लिए डाला, 10 के लिए डाला, 15 के लिए डाला, 20 के लिए डाला और 25 के लिए डाला। अब इयर्स में भी देखते हैं क्या फर्क पड़ता है ईयर और दोनों। तो ये हमने किया सिलेक्ट, गए व्हाट इफ एनालिसिस में, सिलेक्ट किया डेटा टेबल। अब देखो रो इनपुट, रो इनपुट क्या आ रहा है, रो इनपुट है इयर्स, ये रो में है, ये रो वाइज लिखा हुआ है, इसीलिए यहां पे हम सिलेक्ट कर देंगे ईयर। कॉलम इनपुट क्या करेंगे, कॉलम इनपुट है अपना परसेंट, 8%। ओके किया, देखो आंसर आ गया। अब हमारे पास पूरा सिनारियो है विथ ईयर एंड परसेंट। अब देखो इसमें 5% अगर होगा 25 साल के लिए इतना मिलेगा, 10% में अगर रखेंगे तो अमाउंट कितना मिलेगा, 13 लाख मिलेगा, 11% रखेंगे 15 लाख मिलेगा। ये काम होता है डेटा टेबल। डेटा टेबल में आप एक होलिस्टिक व्यू देख सकते हो पूरा सिनेरियो का। मैनुअली आपको कुछ अपने से ना बनाना है, ना शो करना है, ना ऐड करना है, कुछ नहीं करना। आप लिखो और आप पूरा सिनेरियो खुद एनालाइज करो। अमेजिंग टूल, आई होप ये आपको अच्छा लगा होगा। एंड इन केस यू लाइक आवर चैनल, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।